कटल लॉ ऑन कर, ऑन एम्पियर सर्कटल लॉ लास्ट टाइम किया था, पेज नंबर 83-84 है आपकी बुकलेट का। एम्पियर सर्कटल लॉ के अंदर हमने स्टेटमेंट की थी और इसका प्रूफ, प्रूफ राइट बंद कर ठीक। तो इसके अंदर हमने ये किया कि अगर करंट कैरिंग वायर है, इसके आसपास अगर मैं क्लोज इमेजिनरी क्लोज पाथ लूँ, तो बी डॉट डी एल आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो और आप इसमें शॉर्टकट भी लगा सकते हो। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू जो आएगी अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कटल लॉ, ये म्यू नॉट टाइम्स इसमें कितना करंट पास हो रहा है उसके इक्वल आएगी, म्यू नॉट इन टू आई। इसका हमने प्रूफ किया, सेकेंड प्रूफ ज़्यादा बेटर मैंने बताया था अगर आ जाए तो ये करना। उसके बाद आज इसके एप्लीकेशन हैं, कहाँ काम आएगा एम्पियर सर्कटल लॉ। मैंने बताया था कि ये वहाँ काम आएगा जहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्स जगहों पर आपको बी निकालने को कहेगा, जैसे आज के उसमें एप्लीकेशन करेंगे, जैसे कि एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है और आपको इसके एक्सिस पे बी की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो एक सोलेनोइड के अंदर करंट है, ये सोलेनोइड है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनोइड बोलते हैं और इसके एक्सिस पे आपको बी निकालना है। बायट सर्वेट लॉ भी इसमें काम करता है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक शीट दी थी, अभी डिस्कस नहीं की मैंने, वो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। उसके अंदर मैंने बायट सर्वेट लॉ से बी निकाल के दिखाया है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी इसमें ज्योमेट्री यूज होगी और एक पेज से भी डेढ़ पेज का प्रूफ है। लेकिन अगर हम एम्पियर सर्कटल लॉ यूज करेंगे और सोलेनोइड के अंदर बी निकालेंगे तो चार लाइनों में इसका प्रूफ आ जाएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी में एम्पियर सर्कटल लॉ के कैटेगरी में इसको डाला हुआ है और जिसको हम आज हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी एप्लीकेशन है कि एक सॉलिड, एक थिक वायर है सॉलिड, इसके अंदर करंट ही करंट है, पूरे क्रॉस सेक्शन में से आई करंट पास हो रहा है और आपको इस वायर के बाहर आर डिस्टेंस बाहर बी निकालना है, आपको इस वायर के अंदर बी निकालना है। जबकि हमने आज तक कौन सी वायर्स ली, थिन वायर्स ली, ये थिक वायर है। तो थिक वायर मोटी वायर है, पतली वायर नहीं है, और एक मोटी वायर के अंदर बी कैसे निकलेगा ये टॉपिक आपको बताएगा और दो लाइन में इसको खत्म करेगा, अदरवाइज बायट सर्वेट लॉ से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद है, क्लियर है। जैसे एक शीट है, इनफाइनाइट शीट है, ये शीट है, शीट के अंदर करंट ऐसे है, शीट के अंदर करंट ऐसे है, इसमें करंट जैसे बाहर की तरफ, मींस पूरी इनफाइनाइट शीट है, अंदर ही अंदर इसकी सरफेस के अंदर करंट चल रहा है सॉलिड बॉडी के अंदर। अब हवा में तो आएगा नहीं, मतलब इमेजिन करो शीट चलती जा रही है और मैं आपको सिर्फ अंदर का पोर्शन दिखा रहा हूँ, ऐसे अंदर अंदर करंट चल रहा है और आपको निकालना है इसमें बहुत सारे करंट जा रहे हैं इसके अंदर, इसके बाहर बी की वैल्यू क्या होगी। तो एक करंट कैरिंग शीट है, उसके बाहर बी क्या कितना एग्जिस्ट करेगा ये टॉपिक आपको बताएगा और विद इन, मैं फिर कह रहा हूँ कि दो चार लाइनों में काम खत्म करेगा। तो ऑब्वियसली एम्पियर सर्कटल लॉ आपको थोड़ा इजी करके दिखाएगा एक्सप्रेशंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर सोलेनोइड से स्टार्ट करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट भी है और ये स्कूल में आती भी है और इसको स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। पहले एक काम करते हैं, सोलेनोइड के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं, सोलेनोइड है क्या, उसके बाद एक्सप्रेशन करते हैं। सोलेनोइड है क्या, करंट कैरिंग ऐसे टर्न्स को हम इस अरेंजमेंट को क्या नाम देते हैं, सोलेनोइड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि इस के अंदर करंट है, बहुत सारे लूप्स के अंदर करंट जा रहा है, तो लूप के सेंटर पे एक्सिस पे बी एग्जिस्ट करेगा। हर कोई सर्कल में करंट मान लो इस तरीके से आ रहा है, तो ये सर्कुलर टर्न्स की तरह काम कर रहा है, तो एक सर्कुलर टर्न में करंट ऐसे है तो बी ऐसे है सेंटर पे, दूसरे में भी ऐसे है, बी ऐसे है, तीसरे में बी ऐसे है, करंट ऐसे है तो बी इसके एक्सिस पे ऐसे है, तो हर कोई अपने एक्सिस पे बी इस तरफ प्रोड्यूस करता जा रहा है, तो नेट बी क्या होगा, इन सबको हम एक डायरेक्शन में ऐड करेंगे, नेट बी कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक? तो बी एक ही तरफ होगा, ये सबको समझ में आता है। दूसरी चीज, सोलेनोइड की एक और प्रॉपर्टी समझो, और उससे भी पहले एक और चीज यहां पर लिख लेना, इनफाइनाइट सोलेनोइड या इनफाइनाइट लेंथ, ब्रैकेट में लिख लो,
इनफाइनाइट लेंथ, आपके एनसीईआरटी के अंदर या जो नॉर्मली एक्सप्रेशंस आते हैं उसमें जो सोलेनोइड है, उसमें जो सोलेनोइड है उसकी जो लेंथ है वो क्या ली गई है, इनफाइनाइट। हालांकि फाइनाइट सोलेनोइड, इनफाइनाइट का मतलब बहुत लंबा सोलेनोइड है, बहुत बड़ा है, बहुत ही लंबा, उसकी लेंथ इतनी बड़ी है एज कंपेयर टू इट्स रेडियस है डायमीटर, तो बहुत लंबा सोलेनोइड है जिसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर छोटा हो उसको सॉल्व करने के लिए बाइट सेवेट लॉ काम आएगा, जिसकी शीट मैंने आपको दी हुई है, पर मैं उस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा अभी नहीं करवाना चाहता, पहले मैं एनसीईआरटी के हिसाब से पूरे एक्सप्रेशन करवाऊंगा, फिर ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर एंड में करवाऊंगा उसे, वो थोड़ा सा अलग सा है तो इसलिए बीच में मिक्स नहीं करेंगे उसे। तो इनफाइनाइट सोलेनोइड है, सोलेनोइड की सेकेंड प्रॉपर्टी की जो सोलेनोइड है उसको, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम एक चैप्टर करेंगे बार मैग्नेट्स का। बार मैग्नेट एक सॉलिड मैग्नेट होती है और बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक बार मैग्नेट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हम ये थर्ड या फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे और काफी डिटेल में स्टडी भी करेंगे बार मैग्नेट्स को। तो बार मैग्नेट में यह बताया जाता है कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं। एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में लाइन कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, और एंड कहां पर होती है, नेगेटिव पे, वैसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से स्टार्ट होती है, नॉर्थ से, और एंड कहां पर होती है, साउथ पे। ये रही, तो अगर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करना है तो ऐसी दिखेगी आपको। मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं इसे अभी दो मिनट में बताऊंगा। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, याद रखना है। और अगर मैं इनफाइनाइट या एक करंट कैरिंग वायर लेता हूं तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो अलग अलग बॉडीज की अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है। तो बार मैग्नेट की मैंने आपको दिखा दी और उसी तरीके से करंट कैरिंग वायर की भी मैंने आपको दिखा दी, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये याद रखना है, आज के लेक्चर में यूज होगा दोनों। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होती थी, नेगेटिव पे खत्म होती थी, और क्लोज्ड लूप तो बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। इसलिए नहीं बनाती थी क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव तो अलग अलग जगह पे होंगे ऑब्वियसली, तो प्लस से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर खत्म होंगी। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाती हैं। आपके सामने है ये क्लोज लूप, तो कंसेंट्रिक सर्कल है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखो, आपके सामने ही है कि करंट कैरिंग लूप के आसपास सर्कल बनते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में। ये पॉइंट भी क्लियर है। तो अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं अपने सोलेनोइड में। अब क्योंकि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, सबको पता है, इसमें बी तो एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज करंट कैरिंग लूप अपने सेंटर पे, अपने एक्सिस पे बी को प्रोड्यूस करती है। यहां तो क्लियर है। दूसरा, अब क्योंकि जहां पर बी है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर पोल्स भी होंगे। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर हम ये मान सकते हैं कि ये सोलेनोइड इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। वैसे भी सबको पता है कि एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये एक बार मैग्नेट है, पर मैं इमेजिन कर सकता हूं कि इट कैन एक्ट लाइक अ मैग्नेट। और मैग्नेट के क्या बनाने पड़ेंगे मुझे, पोल्स। तो बार मैग्नेट के पोल्स तो स्टैंडर्ड है, बाय डिफॉल्ट होते हैं, नेचर का लॉ है वो, तो जैसे भी बन के आती है वो, तो नॉर्थ एंड साउथ जो है वो है। बट करंट कैरिंग लूप के अंदर अगर मैं इमेजिन करूं पोल्स, होते नहीं है पर इमेजिन करूं अगर पोल्स, तो पोल्स बनाने का तरीका देखो कि अगर सपोज करो ये आपके लूप है, ये आपका लूप है, ये एक सोलेनोइड यहां से शुरू करता हूं और इस तरीके से आता जा रहा है, सर्कुलर टर्न्स है ऐसे बहुत सारे इसमें। तो जिस भी तरफ से करंट को मैंने जनरेट किया, मान लो मैंने यहां से जनरेट किया और मैंने किस डायरेक्शन में किया, क्लॉकवाइज किया, तो जब भी करंट आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा तो वो पोल क्या मानना है आपने, साउथ। अब क्योंकि मेरे को क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, लेकिन जब सोलेनोइड आपकी तरफ आ रहा है आपको कैसे नजर आ रहा है, आपके एंड पर एंटी क्लॉकवाइज। तो एक एंड पर क्लॉकवाइज है और दूसरे एंड पर कैसे निकलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले फेस को आपने मानना है नॉर्थ और क्लॉकवाइज को मानना है साउथ। इसके रूल्स हैं, ये आने वाले चैप्टर में आपको समझ में आएंगे, पर अभी आपको याद करना है
कि अगर आपको क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है किसी लूप में, तो वो आपको फेस कैसे इमेजिन करना है, साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ। तो अगर मान लो मैंने यहाँ क्लॉकवाइज करंट सेंड किया, तो इसको क्या मानेंगे, साउथ, और इसको क्या मानेंगे, नॉर्थ। ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो साउथ एंड नॉर्थ हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को ड्रॉ करते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ, और कहाँ पर खत्म होती है, साउथ। तो नॉर्थ से स्टार्ट हुई, साउथ पे खत्म हो रही है, नॉर्थ से स्टार्ट हुई, साउथ पे खत्म हो रही है, बिल्कुल इस मैग्नेट की तरह, क्योंकि ये भी तो एक मैग्नेट है, जैसे ये बार मैग्नेट है, ऐसे ये बड़ा बार मैग्नेट की तरह इमेजिन कर रहा हूं मैं। तो नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे खत्म हो रही है, कोई डाउट इसमें? सोलेनोइड के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज और है, ये लाइन यहां रुकती नहीं है, ये जो लाइन है रुकती नहीं है, ये लाइन कॉन्टिन्यूसली आगे चलती है और इसी को ज्वाइन कर लेती है कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो इसके अंदर ये लाइन सीधी गई और घूम के वापस ऐसे आ गई, ठीक। तो एक कॉन्टिन्यूस होती है सोलेनोइड में। सोलेनोइड के अंदर भी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है, और बाहर तो जो लाइन जाएंगी वो तो जाएंगी जाएंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कोई भी सोलेनोइड का जब डायग्राम शो करेंगे, और हाँ, ये जो प्रॉपर्टी है, सोलेनोइड के अंदर लाइन की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, और बाहर होती है नॉर्थ से साउथ। ये कॉन्टिन्यूस होती है, दो डायरेक्शंस होती हैं, अंदर जाओगे तो साउथ साउथ से नॉर्थ जाओगे, बाहर आओगे तो नॉर्थ से साउथ आओगे। बार मैग्नेट के अंदर हम डिस्कस ही नहीं करते, दरअसल वो सॉलिड है ना, हम निकाल लेंगे कि वो बार मैग्नेट के अंदर भी निकलता नहीं, बाहर ही निकलता है, सॉलिड है ना, सॉलिड के अंदर भी निकल के क्या करेंगे? करंट कैरिंग ये जो सोलेनोइड है उसके अंदर खाली है ना पूरा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे बी की वैल्यू मैक्सिमम एक्सिस पे ही होती है, तो हम डिस्कस ही एक्सिस पे करते हैं बेसिकली, ठीक है यहां तक? तो पॉइंट लेकिन समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो कभी भी आप सोलेनोइड का जब डायग्राम देखेंगे, बार मैग्नेट में अंदर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, वैसे होती भी नहीं, कोई करता भी नहीं है, बाहर बाहर से ही करते हैं, क्योंकि अंदर वो एटम्स और वो पूरे मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो खुद मैग्नेटिक होते हैं। तो जब हम बार मैग्नेट को अंदर से स्टडी करेंगे, आपको समझ में आएगा कि वो क्यों नहीं करते। सोलेनोइड में क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सिस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो कभी भी आप कोई भी डायग्राम जब सोलेनोइड का देखेंगे और उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखेंगे, तो आपको ऐसी दिखेगी, सही दिखेगी। बैटरी से करंट पास किया तो आप देखेंगे इसमें, देखो लाइंस सर्कुलर कॉइल जा रही है। तो ये मैंने इसलिए पॉइंट बताया कि कभी भी ऐसा डायग्राम आपको बुक में दिखेगा या कहीं भी दिखेगा, अब आपको समझ में आएगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ करते क्यों है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो सोलेनोइड का बेसिक रूल क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब एक काम करते हैं, हम इस सोलेनोइड के एक्सिस पे बी निकालना चाहते हैं। याद रखना, हम किसी भी पॉइंट पर बी नहीं निकाल रहे, हम यहां पे बी नहीं निकाल रहे, या हम यहां बी नहीं निकाल रहे, हम यहां बी नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सिस पे निकाल रहे। तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा इसमें ओनली ऑन एक्सिस ही होगा। इवन अगर आपने नोट भी किया होगा, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, जो सर्कुलर लूप हमने एक्सप्रेशन किया था ओनली ऑन एक्सिस या ऑन सेंटर, मैंने आपको ये एक्सप्रेशन नहीं करवाया कि यहां पे बी क्या होगा, या यहां पे बी क्या होगा, नहीं करवाया, राइट? तो आपके इसमें सिर्फ एक्सिस पे ही है, तो सोलेनोइड जो है वो एक्सिस पे अपने बी कितना लगाएगा, ये हमारा एक्सप्रेशन है। करें स्टार्ट। तो इसको करने के लिए हम क्या, और मैंने ये बोल्ड में लिख भी दिया इसमें, कि अगर करंट आपको किसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज नजर आएगा, तो पोल आपने साउथ इमेजिन करना है, और एंटी क्लॉकवाइज में आपने नॉर्थ इमेजिन करना है। ये स्टेप क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं सोलेनोइड का एक्सप्रेशन। ये लो, अब देखो इसमें क्या करना है। आपने एक लॉन्ग सोलेनोइड लिया इनफाइनाइट लेंथ का, और आपने, आप क्या निकालना चाहते हो, बी निकालना चाहते हो एक्सिस पे। तो एम्पियर सर्किट लॉ ये बोलता है कि आप एक क्लोज्ड पाथ ले लो जहां पर आप बी निकालना चाहते हो। और क्लोज्ड पाथ कैसा लो, कोई भी शेप का ले लो, आर्बिट्ररी ले लो, सर्कल ले लो, जो मर्जी ले लो। कहता तो गॉस थ्योरम भी यही था, कोई भी ले लो क्लोज बॉडी, पर हम अपने कन्वीनियंस से वो लेते थे जिसके एरियाज हम इजीली निकाल सकते हैं। ऐसी बोलता तो ये भी है, कुछ भी ले लो, पर फिर सॉल्व भी आप ही को करना है। तो हमने वो फिगर लेनी है जिसका एरिया या जिसकी लेंथ हम बहुत इजीली निकाल सके। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया पी क्यू आर और एस, तो ये क्यू कर लो पहले, तो प्लीज ओ नहीं है, क्यू है, क्यू कर लो, ठीक। तो
वहीं से दे दे, वहीं से दे दे, पीछे शेक ले। देखो तो फिर करते हैं, इधर देखो तो इसके अंदर पी क्यू आर और एस कोई भी क्लोज्ड पाथ लिया। लॉजिक क्या है कि आपने क्लोज्ड पाथ वहां से पास करना है जहां पे आपको बी निकालना है। आप बी कहां निकालना चाहते हो, एक्सिस पे, तो आप क्लोज्ड पाथ कहां पे लोगे, एक्सिस पे तो पक्का ही लोगे, जहां बी निकालना है वहां तो लोगे ही लोगे। उसके बाद मैंने ऊपर नीचे हर जगह ले लिया, तो आप कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्लोज पाथ लो, जहां से मर्जी पास करो। कुछ मैंने पोर्शन ऊपर भी ले लिया, कुछ अंदर भी ले लिया, कुछ हॉरिजॉन्टल भी ले लिया और कुछ वर्टिकल भी ले लिया, ताकि हर केस को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो रूल क्या है, बी डॉट डी एल निकालना पूरे क्लोज पाथ का, एक बार बाय इंटीग्रेशन, एक बार बाय एम्पियर सर्कटल लॉ, और फिर दोनों को इक्वेट करके बी कैन बी कैलकुलेटेड। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लक्स के अंदर एक बार ई डॉट डी एस बाय इंटीग्रेशन, एक बार बाय गॉस थ्योरम, दोनों को इक्वेट करके E कैन बी कैलकुलेटेड। तो B डॉट डी एल किसका निकलेगा, क्लोज पाथ का पी क्यू आर एस। तो B डॉट डी एल निकालते हैं, चार सेगमेंट में वायर को डिवाइड कर लिया, एक पी क्यू, तो B डॉट डी एल किसका, पी क्यू का, फिर दूसरा क्यू आर का, तीसरा आर एस का, लास्ट एस पी का। ठीक है यहां तक, तो चार पोर्शन ले लिए, तो करें स्टार्ट। B डॉट डी एल डॉट प्रोडक्ट है P से लेके Q तक, B की डायरेक्शन कहाँ है, राइट, और आपने जो क्लोज पाथ लिया, इमेजिन करें उसकी लेंथ क्या ली, L, क्योंकि सोलेनोइड तो बहुत लंबा है, तो आपने एक पोर्शन ले लिया इसका L लेंथ का। मैं प्रूव कर दूंगा थोड़ी देर में कि B की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है, लेंथ कैंसिल हो जाएगी। तो अभी के लिए P से लेके Q तक B DL cos 0, क्योंकि B कहाँ है, राइट, और इस रास्ते में डीएल भी कहा है, टुवर्ड्स राइट, बी और डीएल में एंगल इज जीरो, तो बी डीएल कॉस जीरो। नेक्स्ट, यहां बी इसके ऊपर, बी कहा है, राइट जा रहा है एक्सिस के ऊपर, लेकिन डीएल कहां जा रहा है, ऊपर, तो बी और डीएल में एंगल कितना हुआ, 90, तो बी डीएल कॉस 90। क्लियर यहां तक। तीसरा पाथ आर एस, आर एस में जो भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये सोलेनोइड के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, और सोलेनोइड के बाहर हम ये मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होता है, होता नहीं है या बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सोलेनोइड के अंदर मैक्सिमम फील्ड है और बाहर कम क्यों हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है, सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज बुक समझाती नहीं है, बुक सीधा ही जीरो कर देती है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट बाहर है वो बोलती है कि जो सर्कल है, सर्कल के एक्सिस के ऊपर ही बी मैक्सिमम होता है। कोई भी सर्कल लेंगे उसके एक्सिस पे, उसके सेंटर पे भी मैक्सिमम होता है, और कहीं जाओगे तो होता नहीं है। तो इसको फिर भी समझते हैं एक लॉजिक के साथ। लॉजिक ये है कि पहले ये बताओ कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी बनेगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये याद रहेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये सोलेनोइड है, ये रहा जिसमें करंट जा रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ये रही, तो इसके अंदर अगर मैं कोई भी लाइन ये लू करंट कैरिंग वायर, इसके आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, सर्कल कंसेंट्रिक। इस वायर में कैसी होगी, कंसेंट्रिक सर्कल, इसमें क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल, जहां मर्जी ले लो कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है। इमेजिन करो एक मिनट के लिए दो लूप्स, कोई भी दो कंसेक्टिव लूप्स लो, एक ये लूप ले लिया मैंने बाहर निकाल लिया, ये देखो करंट ऐसे आ रहा है, दूसरा फिर मैं इसको भी बाहर निकाल लूंगा, करंट ऐसे आ रहा है, जतिन क्लियर है। तो पहले इसको बाहर निकाल लिया, इमेजिन करो करंट इसमें ऐसे आ रहा था, तो मैंने थंब रखा करंट के साथ, और मैंने सपोज कोई पॉइंट लिया इनके बीच में कहीं, यहां पे दो लूप्स के बीच में, एक लूप ये है और थोड़ी देर में एक लूप यहां रखूंगा, एक ये, और कोई भी पॉइंट मान लेते हैं यहां पे इन दोनों लूप्स के बीच में, ठीक, जो एक्सिस पे नहीं है, कहीं बीच में बाहर है, ये बाहर है, एक दो लूप्स के बाहर एक पॉइंट है।
तो पहले फर्स्ट लूप से शुरू करते हैं। ये फर्स्ट लूप करंट ऐसे आ रहा है और पॉइंट कहीं यहां पे बाहर है, तो यहां मैंने थंब रखा, मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें, लाइंस इस तरीके से बाहर निकलेंगे मेरी फिंगर्स, तो कैसे बनेंगी? इस टाइप से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बनेंगी, सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। क्या स्टेप क्लियर है? इमेजिन कर रहे हो सब? तो थंब इधर जा रहा है करंट के साथ, तो कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे इसके आसपास। तो जो पॉइंट यहां होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे। तो अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा और यहां से ऐसे जाएगा। इमेजिन कर लिया यहां पर। अब एक काम करो, एक लूप, सेकेंड वाली लूप ले। पहली वाली लूप थी जिसमें करंट ऐसे आ रहा था और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऊपर की तरफ आया। अब ये सेकेंड लूप लेते हैं, उसमें भी करंट ऐसे आ रहा है, लेकिन सेकेंड लूप के लिए पॉइंट कहां रह गया? पीछे। पहले लूप के लिए पॉइंट कहां पर था? यहां पर। सेकेंड लूप के लिए पॉइंट कहां रह गया? पीछे। तो थंब यहां पर है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेगी? कंसेंट्रिक सर्कल। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? नीचे। तो इमेजिन करो कि जब पहला लूप लिया था, करंट यहां पर है और ये पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे था? ऊपर। जब दूसरा लूप लिया, पॉइंट यही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ? नीचे। तो ऊपर और नीचे के मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करते जा रहे हैं? कैंसिल। इसीलिए वैल्यूज जो होती हैं दो लूप्स के बीच में कहीं पर काफी ज्यादा कैंसिल हो जाती हैं। भाई अगर सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल सोलेनोइड है, फिर तो एकदम बराबर वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे और आपस में क्या हो जाएगी? वैल्यू कैंसिल। इसलिए सोलेनोइड के बाहर बी को हम कंसिडर करते नहीं। हालांकि आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, आपसे पूछेगा कोई नहीं, बस आपको ये सीधा रिजल्ट याद रखना है कि एक्सिस पे ही मैक्सिमम होता है, बाहर तुम लेते ही नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पर वैसे मैंने बता दिया कि लाइंस कैसे आपस में कैंसिल करती जाती है। क्लियर है यहां तक? तो अब इसके अंदर इसमें क्या आया था? बी डी एल कॉस जीरो, इसमें एंगल 90 था, तो वैसे ही जीरो, इसको हमने लेना नहीं, ये वैसे ही जीरो, और इसमें फिर से एंगल 90 बी और डीएल में, ये फिर से बी डॉट डीएल जीरो। बचा क्या? सिर्फ एक्सिस, एक्सिस बच गया। तो ना तो बी डॉट डीएल इसका, ना इसका, ना इसका, तो नेट पूरे लूप का बी डॉट डीएल सिर्फ क्या आएगा? सिर्फ पी से लेके क्यू तक। और अगर आप डीएल 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 पी से लेके क्यू तक कंसिडर करें तो टोटल लेंथ क्या जाएगी? एल, इक्वेशन नंबर वन। तो पूरा बी डॉट डीएल जब आपने पी क्यू आर एस का निकाला तो आपके पास आंसर क्या आया? बी इंटू एल। को डाउट इसमें? नहीं, क्लियर है यहां तक? ये क्लियर है। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? इक्वेशन नंबर वन, एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंगली बी डॉट डी एल क्लोज लूप का निकाला जा सकता है। कैसे? म्यू नॉट इंटू टोटल करंट जो पी क्यू आर एस में पास हो रहा है। तो मैंने पूछा किसी स्टूडेंट से, तो करंट क्या पुट करेगा? कहता आए, क्योंकि हर लूप में करंट इज आए। आपने ध्यान से करना है, जब आप क्लोज लूप लेते हैं और उसके अंदर करंट गोल गोल घूम रहा है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, तो आपको करंट आई नहीं लेना। अगर करंट एक बार एक टर्न में घूम गया तो आई लेना है, अगर दो बार घूम गया तो आपको टू इंटू आई लेना है, अगर तीन बार घूम गया तो थ्री इंटू आई लेना है, और अगर एन बार घूम गया तो एन इंटू आई लेना है। आपको कि वो क्यों? करंट तो आई है, टोटल एन टाइम्स कैसे हो गया? करंट इसलिए एन टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई तो यहां पर करोगे करंट को, लेकिन वो अफेक्ट किस में दिखेगा? बी में। अदरवाइज आप दो टर्न लोगे तो भी आई लोगे, अगर मान लो 200 लोगे तो भी आई लोगे, तो आपका बी तो हर वक्त सेम ही आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इसीलिए एम्पियर सर्किट लॉ में क्लोज्ड पाथ में करंट कितनी बार घूमा और एक टर्न का करंट, ये टोटल करंट माना जाएगा। तो एक टर्न में आई करंट है और एल लेंथ हमने कंसिडर की, हमने मान लिया स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। छोटे एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, छोटे एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये इमेजिन करना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को एल से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स। तो इमेजिन किया, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो एल पोर्शन में कितने टर्न्स आ गए हमारे पास? एक टर्न में करंट क्या आए? इतने टर्न्स में, दिस इनटू आई। कोई डाउट इसमें? तो अब बी डॉट डी एल दो तरीके से आ गया, दोनों को इक्वेट कर लिया, लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगा? कैंसल, तो एल तो उड़ गया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आंसर आ गया बी इज म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बॉक्स में डालो, फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो न्यूमेरिकल्स के लिए। तो बी का फॉर्मुला म्यू नॉट एन आई। क्लियर है? तो ये प्रूफ करके आना है, जब भी सोलेनोइड का क्वेश्चन आएगा
तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है? और इसी के अंदर एक रिजल्ट है कि अगर सोलेनोइड बहुत लंबा है और आप एक सोलेनोइड के बिल्कुल कॉर्नर पे, बहुत लंबे सोलेनोइड के कॉर्नर पे बी निकालना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू जितनी एक्सिस पे बी होती है म्यू नॉट एन आई, उससे हाफ हो जाती है बाई टू। ये प्रूफ आपको यहां नहीं करवाया मैंने, ये जो रिजल्ट है यूज भी नहीं होता वैसे, बट जब मैं बायट सेवेट लॉ से सेम करके दिखाऊंगा आपको अपनी शीट के अंदर ये टॉपिक खत्म होने के बाद, तो मैं आपको बायट सेवेट लॉ से ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा और ये भी मैथमेटिकल प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इनफाइनाइट के केस में बी हाफ क्यों जाता है। पर ये यूज नहीं होता, एक्सिस पे याद रहेगा, एक्सिस के ऊपर क्या होगा, बी इज म्यू नॉट एन आई, लेकिन ये एक्सप्रेशन कब चलेगा, जब एक बहुत लंबा सोलेनोइड है, लेंथ बहुत ज्यादा है, और अगर छोटा सोलेनोइड है उसके लिए अभी केस पेंडिंग है, वो हम इस टॉपिक के बाद ही करेंगे एंड में, क्लियर है? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा काम आता है। क्या ये यहां तक प्रूव हो जाएगा एक लॉन्ग सोलेनोइड के केस में? ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट,